कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो प्यार के सात बसन धर्म पत्नी पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज। इस वक्त कलर्स टीवी के जो शो से उनके जो परफॉर्मेंस है वो इतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए जो कलर्स टीवी के शो से वो बहुत ही जल्द ऑफ एयर भी हो रहे हैं। पहले ही ये खबर निकल कर आई है कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो साबी की सबारी का लास्ट एपिसोड भी हमें इस महीने ही देखने को मिल जाएगा। अभी खबर ये निकल कर आई है कलर्स टीवी के शो प्यार के सात बसन धर्म पत्नी भी ऑफ एयर होने वाला है। इस शो में हमें फेमन खान और कृतिका यादव मेन लीड्स के तौर पर हमें देखने को मिलता है। इस शो की कहानी फैंस को शुरुआत में पसंद आया था, लेकिन अभी इस शो का कहानी इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद भी ये शो कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है। इस शो का फर्स्ट एपिसोड हमें देखने को मिला था 28 नवंबर 2022 को। इस शो के अब तक 195 से भी ज्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है कलर्स टीवी पर। कुछ समय पहले ही इस शो का टाइम स्लॉट भी चेंज कर दिया गया था और ये शो हमें अभी रात के 10 बजे देखने को मिलता है। इस शो में हमें फेमन खान रवि रंधावा के रोल में, कृतिका सिंह यादव इस शो में हमें प्रतीक्षा के रोल में नजर आती है। शो की कहानी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस शो का टीआरपी शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा कम निकल कर आ रही है। अभी खबर ये निकल कर रही है इस शो का जो लास्ट एपिसोड है वो हमें सितंबर में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बिग बॉस सीजन 17 बहुत ही जल्द दस्तक देने वाला है। सितंबर के अंत में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही हमें देखने को मिल जाएगा बिग बॉस सीजन 17 का प्रीमियर। तो बिग बॉस 17 रिप्लेस करने वाला है प्यार के सात बसन धर्म पत्नी को। तो आप कितना ज़रा मिस करने वाले हैं आपके फेवरेट शो को कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। इस हफ्ते धर्म पत्नी की टीआरपी सिर्फ 0.6 निकल कर रही है, जो कलर्स टीवी के सबसे कम टीआरपी है। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।